Assalamualaikum everyone, hope you guys doing great. Welcome back to another video. इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट की एक द टाइप पढ़ेंगे जहाँ पे स्टॉक्स और इसके अलावा दूसरे सिक्योरिटीज़ वगैरह भी मतलब परचेज एंड सेल होती हैं. इसको कहते हैं OTC ओवर द काउंटर मार्केट. अच्छा जी, ओवर द काउंटर के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पढ़ी थी, जो कि एक फ़िज़िकल बिल्डिंग और एक फ़िज़िकल प्लेस था जहाँ पे हमारे स्टॉक लिस्ट होते थे, दैन उनकी सेल एंड परचेज होती थी. ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है. ये सम काइंड ऑफ वर्चुअल मार्केट है जिसमें कोई भी ट्रेडिंग फ्लोर्स नहीं होते, यहाँ पे हमारे जो स्टॉक हैं वो लिस्ट नहीं होते, उनको लिस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सीट्स हों, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पढ़ी थी, वहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर थे, ब्रोकर्स थे, उन वो लोग सीट्स लेते थे, फिर परचेज करते थे और मतलब वही बाइंग एंड सेलिंग करवा रहे होते एज अ मीडिएटर, थर्ड पार्टी, मतलब जो मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे होते थे. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. यहाँ पे आपका स्टॉक जो होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको मतलब उस तरह आप स्टॉक रजिस्टर नहीं करवा रहे होते, बेसिकली लिस्ट नहीं करवा रहे होते. और क्योंकि इसमें वो फॉर्म्स आती हैं जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ना ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में जाने के लिए चंद रिक्वायरमेंट्स लगाई होती हैं, तो जो फुलफ़िल नहीं कर पा रही होती तो वो इसके अंदर आती हैं. ठीक है, सिंपल सा ओवर द काउंटर में ये होता है कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है शेयर्स की, मतलब ये फैसिलिटेट करता है सेकेंडरी मार्केट को. ठीक है, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हो रहे होते हैं, इसमें बॉन्ड्स की भी बाइंग एंड परचेजिंग हो रही होती है, स्टॉक्स की हो रही होती है, देन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वो भी हम लोग देखेंगे, उनकी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है विद आउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी. तो ओवर द काउंटर, और ये जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, ओवर द काउंटर उतना ही ज़्यादा उनको फैसिलिटेट करती है. अब अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे ओवर द काउंटर इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती और ना वो फैसिलिटीज़ होती हैं, इवन के कुछ में होती भी नहीं है. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ओवर द काउंटर बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर रही होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रेज होता है कि वाई ओ टी सी नीडेड, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास ऑर्गेनाइज एक्सचेंज ऑलरेडी थी. तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनके पास इतने एसेट नहीं होते जो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में उनकी रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली फुलफ़िल नहीं कर पाती. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक आई टी फॉर्म कह लें, कंपनी कह लें, या कोई एक मतलब आप सपोज कर लें कि एक 9 कंप्यूटर्स के ऊपर एक रूम है, एक कंपनी सी है, लेकिन वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू मिलियंस में है या फिर 10 मिलियंस में, जितने में भी है, डॉलर्स में, इतने में है, तो उसकी इतनी वैल्यू है. लेकिन क्योंकि उसके पास 9 कंप्यूटर्स ओनली, तो वो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, एसेट्स की, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनकी लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, हर चीज़ की, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही. ठीक है, लेकिन वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मतलब इसकी इतनी वैल्यू है. ठीक है, बट अगर एक टेक्सटाइल फॉर्म है तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं क्योंकि उसके पास मशीनरी चाहिए. टेक्सटाइल फॉर्म है जो भी, उसको मशीनरी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, 3-4 बड़ी बड़ी सी मशीन्स होंगी, मतलब डिफरेंट तरह की होंगी और बहुत बड़ी फॉर्म होगी, जबकि वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होगी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिक्वायर कर रही है ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में एंटर होने के लिए. सो द आई टी कंपनी जो होगी वो ओवर द काउंटर के अंदर आ जाएगी, यहाँ पर आके रजिस्टर हो जाएगी. तो इसी तरह से जो कंपनीज़ ऑर्गेनाइज एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाती उन अपने एसेट्स की वजह से या डिफरेंट रीजंस होती हैं, उन रीजंस की वजह से वो ओवर द काउंटर में आ जाती हैं.
क्योंकि उनको भी तो ऑब्वियसली फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है ना, तो वो फाइनेंसिस कहाँ से लें, और फिर वो ओवर द काउंटर में आ जाएंगी तो यहीं पे वो फिर अपनी कंपनी के शेयर्स बेचेंगे। इसी तरह से जो कंपनीज ओवर द काउंटर के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास इतना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंपनीज इसमें फॉल नहीं कर पाती देन वो जाती हैं अदर्स में, तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।